अब हम इसके फीचर्स को समझते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या फीचर्स होते हैं, ये किस तरीके से रन करता है, इसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका सेपरेट एंटिटी, ये एक सेपरेट एंटिटी है, किसी भी तरीके का कोई इंडिविजुअल फॉर्म नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है कि यहाँ पे किसी के मेंबर, कोई मेंबर के आने या किसी मेंबर को जाने, रिटायर्ड होना या डेथ होना पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये एक सेपरेट एंटिटी है, इनकी एक अलग संस्था है जो मेंबर्स के थ्रू चलाई जाती है, ये एक सेपरेट एंटिटी है। नेक्स्ट नंबर आता है मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो इनके मेंबर्स होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, जो मेंबर्स होते हैं उनके वोटिंग के बेस पे किसी को डिसाइड करते हैं, वोटिंग राइट के बेस पे सबसे वोटिंग करते हैं, उसके बाद किसी एक पर्सन को डिसाइड करते हैं जो एग्जीक्यूटिव की तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे जो मैनेजमेंट किया जाता है उसके लिए, मैनेजमेंट के लिए जितने भी मेंबर्स हैं उनके, उनसे वोटिंग की जाती है और किसी एक को अपॉइंट किया जाता है जो उस फॉर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है। नेक्स्ट नंबर आता है फॉर्म, ये एक हमारी एक चैरिटेबल सोसाइटी होती है जो रनिंग बेस पे चलती है, ये एक संस्था होती है जिसमें यहाँ पे कई सारे मेंबर्स होते हैं और ये एक तरीके की सोसाइटी होती है। नेक्स्ट नंबर आता है सर्विस मोटिव, यही मेन इसकी मीनिंग भी थी, सर्विस मोटिव। इनका मेन पर्पस जो होता है सर्विस प्रोवाइड करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ये सर्विस मोटिव से चलाए जाते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस जो है सर्विस मोटिव होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे एनजीओ है, एनजीओ हमारा काम करता है, रन करता है, तो एनजीओ में जो उनका मेन वर्क होता है उसका मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट नंबर आता है सोर्सेज ऑफ फंड, यहाँ पे इनको फंड कहाँ से मिलता है, इनको फंड, इनके पास पैसे कैसे जमे, जैसे हॉस्पिटल्स है तो वहां पे तो हम फीस चार्ज करते हैं, एजुकेशन है उसमें भी फीस चार्ज करते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो कम फीस चार्ज करती है, प्राइवेट स्कूल है थोड़ा ज़्यादा फीस चार्ज करती है। लेकिन एनजीओ जो है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सारे आ गए, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो इनके पास रनिंग के लिए जो फंड जनरेट होता है वो फंड के दो सोर्सेज माने जाते हैं। एक तो मेंबर्स जो हैं उनके जो मेंबर्स हैं एनुअली उनसे कुछ अमाउंट चार्ज किया जाता है जिसे हम सब्सक्रिप्शन का नाम देते हैं, एंड नॉन मेंबर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है बट हमारे वर्क को देख करके वो हमारे पास कुछ पैसा डोनेशन के रूप में देते हैं, जो नॉन मेंबर हमारे वर्क को देख करके जो पैसा हमें डोनेट करते हैं वो कहलाता है डोनेशन। तो इनके सोर्सेज ऑफ फंड और भी चीजें हैं जैसे एंट्री फीस लगा करके पैसे चार्ज करना या इस तरीके की, लेकिन हम सोर्सेज ऑफ फंड में दो चीजों का एग्जांपल दे रहे हैं जैसे कि डोनेशन या सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, जो मेंबर से एनुअली फीस चार्ज किया जा रहा है वो एक सब्सक्रिप्शन का नाम देंगे, जो नॉन मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को देख करके पैसे डोनेट कर रहे हैं या कुछ डोनेट कर रहे हैं तो वो जो फंड आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, डोनेशन। तो ये हो गया सोर्सेज ऑफ फंड। नेक्स्ट नंबर आता है अकाउंट, अब इनके यहाँ भी फंड आ रहा है, इनके यहाँ भी लोग वर्क कर रहे हैं, ये भी अपने यहाँ एम्प्लॉय रख रहे हैं, तो ये अकाउंट तो मेंटेन करेंगे। अब ये कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करेंगे, अभी तक आपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या कौन कौन से अकाउंट बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, ये तीन अकाउंट ये भी बनाते हैं, एक अकाउंट ये बनाते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंट इनके यहाँ कौन कौन से मेंटेन होते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट नंबर आता है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग इट्स मेंबर, यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो बैलेंस बचता है उसके नाम को हम सरप्लस या डेफिसिट्स के नाम से शो करते हैं। यदि इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो हम सरप्लस के नाम से शो करते हैं, यदि एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है तो डेफिसिट्स के नाम से शो करते हैं। तो यदि सरप्लस होता है ऑर्गेनाइजेशन को तो वो सरप्लस जो है मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जब हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते थे तो जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट यदि सोल प्रोप्राइटर होता था तो हम सोल प्रोप्राइटर की कैपिटल में देते हैं, या पार्टनर होता है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन ये कोई
ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड सेपरेट एंटिटी है, तो यहाँ पे जो सरप्लस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो कैपिटल फंड में ट्रांसफर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक था सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग इट्स मेंबर, तो यहाँ पे जो सरप्लस होता है उसको हम ट्रांसफर नहीं करते उनकी कैपिटल्स में, यानी ये मेंबर्स में ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो ये इसके फीचर्स हो गए। फीचर्स में हमने पढ़ा, फर्स्ट नंबर पढ़ा कि सेपरेट एंटिटी, ये एक सेपरेट एंटिटी होता है, इसमें किसी मेंबर के आने या किसी मेंबर को जाने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक अलग संस्था है। मैनेजमेंट, यहाँ मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होता है, जो इनके मेंबर है उनके वोटिंग के बेस पे कोई एक लोग को एग्जीक्यूटिव के नाम से रखा जाता है जो ही सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। फॉर्म, इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं, इसमें आते हैं फॉर्म्स में चैरिटी आ गई, सोसाइटी आ गए, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, रिलीजन सर्विस या एजुकेशन सर्विस, इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करना। सोर्सेज ऑफ फंड, इनके यहाँ सोर्सेज ऑफ फंड का मेन हमने दो एग्जांपल दिया था, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को में पैसे डोनेट कर रहे हैं तो वो कहलाया डोनेशन, एंड सब्सक्रिप्शन जो हमारे मेंबर से एनुअली फीस चार्ज किया जा रहा है वो कहलाया सब्सक्रिप्शन। तो ये हो गए इनके सोर्सेज ऑफ फंड। नेक्स्ट नंबर था अकाउंट, इनके यहाँ कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, और ये एनुअली बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर सोर्सेज, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूट ट एमंग इट्स मेंबर, इसका सरप्लस जो होता है वो हम किसी मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो गया फीचर्स, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं।